हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गूगल स्प्रेडशीट में कस्टम सेपरेटर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। कस्टम सेपरेटर इस्तेमाल किया जाता है स्प्लिट टेक्स्ट कॉलम ऑप्शन के अंदर। अभी जब यूज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ नंबर लिए हुए हैं और दो नंबर के बीच में यहाँ पर एंड दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये दोनों नंबर अलग अलग कॉलम में आ जाए और बीच से एंड हट जाए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कस्टम सेपरेटर का। अच्छा, यूज कैसे करना है? सिंपल, सबसे पहले उस नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको जिस पर आप कस्टम सेपरेटर अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने देखिए इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में डेटा टैब पर। ये देखिए, ये रहा डेटा टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप डेटा टैब पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन का, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो अब ये देखिए सेपरेटर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें इस एरो पे क्लिक करना है, ये छोटा सा एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर सेपरेट करने के लिए कुछ ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट देता है। यहाँ पर देखिए कॉमा दिया हुआ है, सेमी कॉलन दिया हुआ है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है। इनमें से अगर कुछ होता तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्लिक करके आप अपने नंबर अलग अलग कर सकते थे, लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं दिया है तो इस केस में हम यूज करते हैं कस्टम का, ठीक है। इसी को कहते हैं कस्टम सेपरेटर। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कस्टम सेपरेटर आ गया। अब आपको यहाँ पर वो वर्ड या वो साइन देना है जो भी यहाँ पर दिया हुआ होगा, मतलब जिसके थ्रू आप दो नंबर को अलग अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ इस केस में हम एंड हटाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर बस एंड टाइप किया और ये देखिए दोनों नंबर अलग अलग हो गए, ठीक है।